कपिल वो देख रेंज रोवर, पता ही मेरी फेवरेट कार है, मेरा एक फोटो क्लिक कर दे प्लीज। हाँ हाँ चल, अच्छे से खींचो, मेरे को पोस्ट करनी है, ठीक है। ओ भाई पीछे से हट जा, सारा फोटो खराब करवा दिया। पीछे कौन है? ओए अनूप, तू जानती है इसको? हाँ यार, ये मेरी सोसाइटी में रहता है। इसके पापा ना सोसाइटी में बड़ा ऐसे करके चलते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है। और तू देख यहाँ पे गाड़ियां साफ कर रहा है, और ये अपने माँ बाप को ना अंधेरे में रख रहा है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, औकात है इसकी? यार ठीक तो कहते हैं उसके पापा कि उनका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये गाड़ियां साफ करना भी तो एक बिजनेस है ना। तो गाड़ी साफ करना कोई गलत बात थोड़ी है, गाड़ी साफ करता हूँ फिर क्या हो गया? पर वो छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? अरे फरीदाबाद रॉकर्स फिल्म प्रोडक्शन का नाम सुना है? हम वहाँ पे ऑडिशन देने जा रहे हैं ऑडिशन, और हमारा ऑडिशन क्लियर हो गया ना, फिर तो हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे, हमारी भी शॉर्ट मूवीज आएंगी, तेरी तरह गाड़ियां साफ नहीं करेंगे हम। पर तू टेंशन मत ले, जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे ना, अमीर हो जाएंगे, तो हम इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, और फिर हम तेरे को ना गाड़ी साफ करने का काम देंगे। और कपिल एक काम कर, इस गरीब का ना बेचारे का नंबर ले ले, हम इसको कहीं ना कहीं काम दिला देंगे। हम इस गरीब का नंबर क्यों लेंगे, हम अपना नंबर देंगे इसे। गरीब कहीं का चल सोनी, हम लेट हो रहे हैं। यार सोनिया लगता है उन्हीं का फोन आ रहा, हम ना लेट हो गए, तू ही बात करो उनसे। हेलो हेलो, हाँ जी सर। वो तुम ऑडिशन देने आ रहे थे ना, रहने देना। लेकिन क्यों सर? वो जो हमारे प्रोडक्शन हाउस था ना, वो हमने बंद कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ सर? किसी समझदार आदमी ने ना मुझे और अच्छा काम बता दिया, मुझे गाड़ी साफ करने का काम बता दिया, तो ना अब मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं चलाऊंगा, मैं अब गाड़ी साफ करूंगा। गाड़ी साफ कर। इसका मतलब प्रोडक्शन हाउस का मालिक ये है? सॉरी यार, गलती हो गई हमसे। यार यार क्या होता है? सर बोल। ठीक है ना, तुम ऑडिशन देने आए थे, हैं? एक्टर बनने आए थे? अरे तुम अच्छे इंसान ही ना हो तो अच्छे एक्टर कहां से बन जाओगे? अच्छे एक्टर बनने के लिए पेशेंस होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए, जो तुम लोगों के अंदर तो है नहीं। मैं ऐसे धक्के मार के निकालू ना, इससे पहले निकल जाओ यहां से। और हाँ, तू क्या कह रही थी कि अपने माँ बाप को अंधेरे में रख रहा है? अरे मैं अपने माँ बाप को अंधेरे में ना रख रहा, तुम अंधेरे में रख रहे हो, वो भी अपने आप को। अरे एक एक्टर बनने से पहले ना अच्छे इंसान बनो, तब आना ऑडिशन के लिए। और बात रही मेरी औकात की, Tell me how.